अकलापे तू लग गई सन, अकलाबे नू लग गई सन सन, अगे ते दुख सुख कले सन, हुन भुगनी पै गई जंग। बहुत ही बात। इन्होंने मतलब जिस तरह पढ़ी है वो उर्दू का एक्सेंट है, लेकिन मैं दस देनी है कि सन कहंदे ने जिहड़ी किताब सॉरी ओनू दीवार नू जिहड़ा तोड़ के कोई डकैती करे ते ओहदे विच जिहड़ा एक वड्डा सारा मंगोरा पै जांदा है ते ओहनू कहंदे ने सन लगना। और मतलब पंजाबी दे विच बहुत सारियां चीजां दे जगह ते वरत्या जांदा है ते इह है बेसिकली अकलापे नू लग गई सन, अकलापे नू लग गई सन, अगे ते दुख सुख कले सन, अगे ते दुख सुख कले सन, हुण भोगनी पएगी जंग। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। वकील साहब ने सुनाया कुछ भी? वकील साहब सुनाओ। नहीं उन्होंने सुनाया है बेसिकली। अब मैं बेसिकली यह चाह रही हूँ कि असी जड़ा है ना इनू थोड़ा जहा होर करके, क्योंकि सबा और फहीम ये कुछ बोलना चाह रहे ने किताब दे और मेरे हवाले दे नाल। ते मैं पहले सुना दिया या पहले सबा ते फहीम कुछ बोल लें? पहले बोल लें। हाँ चलो ठीक है जी फहीम, दो तीन साल पुरानी पहला मजमुआ सी मच ओ भी नजर तू गुजरिया सी, लेकिन ये जो मुश्क है अज ही मैनु किताब मिली है जो थोड़े टाइम इस थोड़ा मुताला किया है। मैं कहना कि बड़ी ही मुनफरिद शायरा ने इन ना सिर्फ ये कि फेमिनिज्म पिछले तबकात की तर्जमानी इसने की है, बल्कि एक जिस तरह कहते ना कि अंदरूनी खारजी दुनिया तो एक बातनी दुनिया से शायर जोड़ा वो अपने गहरे मुशाहदे एहसास की शिद्दत जज्बात की हिद्दत की वजह तो जिस तरह उन्होंने तस्वीरकशी करती है बैरूनी दुनिया की, तो एक एक उसकी सच्ची झलक होती है। इन्हों की कई नज़म जड़ी मैं जिस तरह सदर जिसने जिन्हें एक आम मजदूर जो माशरे के पिछे हुए तबके उन्होंने सदर का की अशर होता है वह बयान किया है, तो मैं अगर इजाजत हो तो मेरा अगर पढ़ भी जाए। जी, मैनू पता है कि सदर की कंध रेतली आती है, मजदूर जड़ा भी कम कर रहा हो सुफने विच भी किसी ढाबे तो रोटी खा के थड़े उत्ते चाह पीन तो अगों सोच ही नहीं सकता, क्यों जे ओदा खुश होने का वेला थड़े की मिठी चाह स्वाद लैके पीना है। मैं वेख्या है उन्हां दियां बुझियां अखां विच मीं दे वसन दी खुशी नूं या गम नूं, मैनूं पता है ठुड्डा की होंदा है, सदरां दी रेतली कंध दी इक ठुड्डे दी दे नाल ही ढह जांदी है। फिर बड़े ही इन्हां दे जिस तरह असीं कहिंदे आ कि बड़े प्रैगनेंट एक लिटरेरी कोई कम होंदा है ना एक शेर विच जिस तरह शायर उह कुछ लिखदा है तो उसके पिछे काफ़ी कूने जिगर उसका एक होता है, तो इन्हें लिखे हरफा नू जमन लई रूह नू गबन करना पैंदा है, गबन मतलब प्रेगनेंट करना पड़ता है, तो मतलब ये है कि कितने मुख्तर अल्फाज में कितने चंद अल्फाज में इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। इस तरह इन्होंने जो हमारा जो मादर पितर सरी निज़ाम है उसमें औरतें जिनके साथ आम जो तबकात पिसे जाते हैं उनसे ज़्यादा ही वो कुछ पिसी जाती हैं, क्योंकि उनके साथ इस्तेसाल की शिद्दत भी ज़्यादा होती है, तो उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नज़में लिखी हैं। मैं एक उसमें से कुछ इशार पढ़ना चाहूँगा, पेज नंबर की है मैं वही ढूंढ रहा हूँ मुझे अभी, क्योंकि अचानक आपने कहा तो मुझे वो है शांति शांति मैं देखें तो शांति। शांति एक कुड़ी का नाँ है जेड़ी माँ दे पुराने कपड़े पाउंदी हुई डरती है, बहुती रोटी खाण तो भी डरती है, उत्ते नमाज पढ़न वेले नीयत करके भी डरती रहती है। शांति कुड़ी का नाँ है जेड़ी प्यो दियां घूरियां नूं देर तक समझ नहीं सकती, डर नाल भावां नूं भी दस सकती है कि ओनू औरत होण दा सर्टिफिकेट मिल गया है।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਹਾਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਦੀ ਤੱਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਾਓ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਨਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਆਹੰਗ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਗੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਨਕਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਬਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ?